तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। 20 जुलाई, पहला पाठ, यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 1, 4 से 10 तक। ये शब्द यिर्मयाह के हैं जो बेंजामिन प्रांत के अनातोत में निवास करने वाले याजक हिल्क्याह का पुत्र है। प्रभु की वाणी मुझे ये कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुम रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, ये ना कहो मैं तो बच्चा हूँ, मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूँगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊँगा तुम वही कहोगे, उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, ये प्रभु की वाणी है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे ये कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख रहा हूँ, देखो उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, मैं दिन भर तेरी न्यायप्रियता और तेरे मुक्ति विधान की चर्चा करता रहता हूँ। मैं दिन भर तेरी न्यायप्रियता और तेरे मुक्ति विधान की चर्चा करता रहता हूँ। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे, तू न्यायी है, मुझे छुड़ा, मेरा उद्धार कर, मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य, मैं दिन भर तेरी न्यायप्रियता और तेरी मुक्ति विधान की चर्चा करता रहता हूँ। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और तेरी रक्षा का सुदृढ़ गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से, कुकर्मियों और अत्याचारियों के पंजे से छुड़ा। अनुवाक्य, मैं दिन भर तेरी न्यायप्रियता और तेरी मुक्ति के विधान की चर्चा करता रहता हूँ। प्रभु ईश्वर, युवावस्था से तू ही मेरी आशा और भरोसा है, मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा, तूने मुझे गर्भ से निकाला, मैं निरंतर तेरा गुणगान करता हूँ। अनुवाक्य, मैं दिन भर तेरी न्यायप्रियता और मुक्ति विधान की चर्चा करता रहता हूँ। मैं दिन भर तेरी न्यायप्रियता और तेरी मुक्ति विधान की चर्चा करता रहता हूँ, यद्यपि मैं उसके था नहीं ले सकता। ईश्वर, मुझे युवावस्था से तेरी शिक्षा मिली है, मैं अब तक तेरी महान कार्य घोषित करता रहा। अनुवाक्य, मैं दिन भर तेरी न्यायप्रियता और तेरी मुक्ति विधान की चर्चा करता रहता हूँ। जय घोष, अलीलुया। अनुवाक्य, अलीलुया। बीज ईश्वर का वचन है, ईसा मसीह बीज बोने वाला है, वे सभी
जो उसके पास आते हैं अनंत काल तक जीवित रहेंगे। अनुवाक्य हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 13 पद संख्या 1-9 तक। ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरते और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ ना होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।